अस्सलाम वालेकुम। लवबर्ड वैली की इस वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके बर्ड सब सेहतमंद होंगे और ठीक ठाक होंगे। मुझे बहुत से दोस्तों ने फरमाइश की कमेंट्स में बहुत ज़्यादा कि हमें आप बताएं कि बर्ड्स के जो केजेस होते हैं वो किस तरह के होने चाहिए। बहुत से दोस्तों ने कहा कि हम बर्ड्स का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमें आप बर्ड्स के केजेस वगैरह का बताएं कि बर्ड्स के हम केजेस किस तरह के बनवाएं और आपने ये जो केजेस बनवाए हैं ये किस तरह के बनवाए हैं, आप हमें पूरा जो है वो केजेस के बारे में अपने बताएं, आपने कितने बनवाए हैं और कितना ख़र्चा हुआ आपका। तो हम लोग भी जो है वो स्टार्ट करना चाहते हैं बर्ड्स का बिज़नेस, तो आप हमें कंप्लीट जो है ना बर्ड्स के बारे में, ये केजेस के बारे में हमें बताएं। तो आप लोगों की इस फरमाइश पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। यार देखो, जहाँ तक मैंने जो केजेस, ये इन केजेस का ताल्लुक है ना जो मैंने बनवाए थे, तो ये मैं तो उस वक़्त बहुत छोटा था, ठीक है। मैं 7th क्लास में पढ़ता था तो मेरे अब्बू ने मुझे 2 बजरीगर्स ला के दिए थे, ठीक है, पेयर्स। तो वो तब एक लकड़ी का केज होता था, तकरीबन वो 3 फुट उसका फ्रंट था, 1.5 फुट वो गहरा था और तकरीबन 3 फुट वो ऊँचा था। तो वो 2 पेयर्स मैंने लगाए थे उसके अंदर और मैंने उसमें 2 मटकियाँ लगाई थी और वो तकरीबन 5 से 6 महीने बाद उन्होंने ब्रीड किया था। तो उसके बाद, लेकिन जब ब्रीड किया था तो बहुत अच्छा उन्होंने ब्रीड किया था। शुरू में उन्होंने एडजस्ट होने में कुछ टाइम लिया था क्योंकि मैं अक्सर ये होता था कि वो केजेस उठाता था और मैं एसी में ले गया, वहाँ पर मैं फिर उनको निकालता था बाहर, बजीस को कमरे में छोड़ देता था, वहाँ वो उड़ते रहते थे। तो मैं कभी उसको बाहर रख देता था, बरामदे में रख देता था, कभी मैं उसे कमरे, उनको कमरे में ले आता था। तो क्योंकि मैं काफ़ी उनको शिफ्ट कर रहा था, काफ़ी चेंज उनकी जगह कर रहा था, तो उन्होंने टाइम जो था वो ज़्यादा लिया था। 6 महीने लिए थे तकरीबन। मैं लाया था 6 जून को लाया था और उन्होंने 6 दिसंबर को ब्रीड किया था, एग्ज़ैक्ट 6 महीने बाद, ठीक है। तो जब उन्होंने ब्रीड किया था तो उसके बाद बहुत ज़्यादा उन्होंने ब्रीड किया, रेगुलर किया, तो फिर मैंने कुछ देर बाद जो थे वो लव बर्ड्स भी रख लिए थे। तो ये मैंने एक केज बनवाया था, इसमें ये पहले 4x4 का एक केज था, इससे ये मैंने स्टार्ट किया था। तो ये टाइम के साथ साथ मैं इसको इम्प्रूव करता रहा, इसकी हाइट बदलता रहा, ठीक है, और इनकी जो है वो मैंने और भी ऐड करता रहा। तो ये मैंने एक सिंगल से स्टार्ट किया था, ये एक केज, उसमें मैंने फ़िशर के 4 जोड़े डाले थे। तो उस वक़्त बहुत अच्छी ब्रीड हुई थी, फिर मैंने कुछ सेल किए, तकरीबन मुझे याद है 3500 के मेरे बच्चे वगैरह बिके थे फ़िशर के। तो मैंने कुछ सेल किए, फिर मैंने 2 केजीज और बनवा लिए थे 4x4 की हाइट में। तो 3 कॉलोनियाँ फिर मेरे पास टोटल हो गई थी। फिर मैंने उसमें कुछ लुटिनो वगैरह डाले दूसरे केज में, फिर एक में मैंने कुछ ब्लू मास के 1-2 जोड़े डाले। तो ये टाइमली मैंने इनको इम्प्रूव करता रहा, इनको ऐड करता रहा और इनमें एडिशन करता रहा। तो ये केजेस जो हैं ये आहिस्ता आहिस्ता मैंने बनवाए हैं, मैंने एकदम नहीं बनवाए और ये पहले के बने हुए। अब अगर मैंने यहाँ पर इनको जो लगाया तो मैंने ये इसको शिफ्ट किया, एक केज जो था वो नीचे लगा हुआ था, ठीक है, लॉन में लगा हुआ था, और एक केज इधर छत पे ही था लेकिन दूसरी लोकेशन पे लगा हुआ था। तो मैंने अब इन दोनों केजेस को ना इकट्ठा करके इधर लगाया, क्योंकि यहाँ पे जो हवा की वेंटिलेशन है ना वो बहुत अच्छी है और यहाँ पे ना ज़रा धूप से इनको थोड़ा सा प्रोटेक्शन मिल जाती है। तो ये तो केजेस मेरे पास पहले से बने हुए हैं। अगर आप नए केजेस बनवाना चाहते हैं ना, उसमें देखो 2 तरीके होते हैं। एक तो या तो आप कोई स्पॉट वेल्डिंग का जो केज है वो आजकल काफ़ी चला हुआ है, या तो आप वो ले सकते हैं, ठीक है, वो भी तकरीबन 12-14 हज़ार का स्पॉट वेल्डिंग का केज जो है वो मिलता है।
उसमें तकरीबन 6 खाने जो स्टैंडर्ड है ना, वो ये है कि 1 खाने की जो उसकी है ना डायमेंशंस, वो हैं तकरीबन 2 फुट फ्रंट होता है उसका, ठीक है, 2 फुट ऊंचा होता है और 2.5 फुट वो गहरा होता है, ठीक है। इस तरह के 6 जो खानों वाला एक मिलता है स्पॉट वेल्डिंग का, वो तकरीबन आपको 14,000 रुपये का मिलता है वो, ठीक है। तो या तो आप वो ले सकते हैं, उसमें आप पार्टीशन निकाल भी सकते हैं, उसको 2 खानों को एक भी कर सकते हैं, तो उसमें ऑप्शन होती है। मैंने भी स्पॉट वेल्डिंग में भी बर्ड्स रखे हैं, तो उसमें ज़रा थोड़ा सा ये होता है, उसके भी एडवांटेजेस हैं, उसके भी डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेज ये है कि अगर आप एक पेयर उसमें लगाते हैं, ठीक है, और जोड़ा ब्रीडर है, तो वो आसानी है उसमें कि वो ब्रीड कर रहा तो वो कर रहा है, एक जोड़ा आप जौन सा लगाना चाहते हैं उसमें आप वो जोड़ा लगा के तो एक लगा दें, लेकिन उसमें आप 6 जोड़ों से ज़्यादा नहीं लगा सकते, ठीक है, एक केज के अंदर। और दूसरा ज़रा उसमें काम बढ़ जाता है, दाना पानी उसमें एक एक केज में डालना पड़ता है, एक एक केज में अगर आप सॉफ्ट फूड डाल रहे हैं तो वो भी आपको एक एक केज में एक एक पेयर में डालना पड़ता है, तो उसके भी फ़ायदे हैं। और दूसरा इसके, ये जो मैंने तो कॉलोनीज़ लगाई हुई हैं, पहले मैंने स्पॉट वेल्डिंग भी लगाए हुए थे, उसमें भी मैंने रखे हुए थे, तो अब मैंने ये कॉलोनीज़ वगैरह लगाई हैं। इसमें यार ये फ़ायदा है कि आप दाना एक दफ़ा ही डालते हो, अब इसमें तकरीबन मैंने एक केज में 15 मटकियाँ लगाई हुई, ठीक है, 15 जोड़ों के लिए, या थोड़ी बढ़ा भी सकता हूँ मैं, 20 पटकियाँ लगा दूँगा, 15-16 जोड़े मेरे एक केज में लग जाएंगे, ठीक है। तो 16 जोड़े जो हैं उनको एक दफ़ा दाना डालना, अगर आप 16 जोड़े इनको स्पॉट वेल्डिंग में रखोगे तो आपको 16 में डालना पड़ेगा, ठीक है ना, तो इसमें ज़रा टाइम सेविंग है। लेकिन इसमें ये थोड़ा सा ये होता है कि इसमें पेयरिंग का थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन एक दफ़ा आप पेयर लगा लें तो उसके बाद तो लव बर्ड्स में तो प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है ना, वो जो लगे रहते हैं वो फिर ब्रीड करते रहते हैं। तो आप देख लें कि आप कॉलोनी लगाना चाहते हैं या आप सिंगल 1x1 लगाना चाहते हैं। अगर ये इस तरह की कॉलोनी आप लगाना चाहते हैं तो ये कॉलोनी का जो मेरा साइज़ है ना, इसका साइज़ है ये 6 फुट फ्रंट है एक कॉलोनी का, ठीक है, 4 फुट इसकी डेप्थ है और इसकी हाइट जो है वो 7 फुट है, ठीक है। ये मैंने 4 फुट पे भी इसका तजर्बा किया हुआ है, इसका मैंने 6 फुट पे भी किया हुआ है, 7 फुट पे भी किया हुआ, ठीक है। 4 फुट पे तो आपने नहीं रखवानी कॉलोनी का, ठीक है, कम से कम 6 फुट हाइट होनी चाहिए। मैंने इसको 7 फुट बाद में करवाया था, पहले 6 फुट थी, क्योंकि मैं समझता था कि ये बेहतर है ज़रा, ठीक है ना, क्योंकि ज़रा हाइट होती है, बर्ड सेफ़ होता है इसके अंदर, जब आप कॉलोनी में इंस्पेक्शन करने जाते हैं तो वो भी सेफ़ होता, ऊपर जाके बैठ जाता, तो वो फिर ज़्यादा वो फड़फड़ाता नहीं है। 6 फुट में वो आप बिल्कुल आपके साथ होता है, वो बहुत ज़्यादा फड़फड़ाता है, वो डरता है, ठीक है। तो मैंने तो 7 फुट रखवाई हुई है, कुछ लोगों ने 6 फुट भी रखवाई हुई, आप देख लें, अगर 6 फुट रखवाना चाहते हैं 6 फुट रखवा लें, 7 फुट रखवाना चाहते हैं तो 7 फुट रखवा लें, ठीक है। इससे ऊंचा ना करें, इससे ऊंचा करेंगे बर्ड्स नहीं पकड़े जाएंगे, ठीक है, आपसे वो ऊपर से उड़ निकल जाएंगे, उड़ जाया करेंगे, या फिर आप कुछ स्टूल रखेंगे, स्टूल रख के फिर आप कुछ छिकी रखेंगे तो फिर आप पकड़ेंगे, तो वो एक अलहदा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैक्सिमम जो स्टैंडर्ड साइज़ है ना, जो 7 फुट ही है, ठीक है। अगर आपकी मिसाल है हाइट, अगर आपकी 6 फुट, कुछ दोस्तों वगैरह की 6 फुट से ऊपर हाइट होती है, अगर आपकी 6 फुट हाइट है, ठीक है, तो फिर तो आपको 7 फुट ही रखनी पड़ेगी इसकी हाइट, ठीक है, फिर तो आप इसके अंदर एंटर नहीं हो सकेंगे। तो हाइट इसकी जो है 7 फुट और फ्रंट इसका हो गया 6 फुट और डेप्थ इसकी 4 फुट, ठीक है। तो ये अच्छा साइज़ है, अगर मैं बनवाऊँ ना, अब बनवाऊँगा तो मैं माइंड तो बन रहा है रिंग नेक रखने का, फिंचेस रखने का, पहले भी मैं रखता रहा हूँ, रिंग नेक्स भी मैंने रखे हुए थे, रा भी रखे हुए थे मैंने, ग्रे पैरट्स भी रखे हुए थे, ठीक है, कॉकटेल्स भी रखे हुए, तकरीबन काफ़ी पैरट्स मैं रख चुका हूँ। तो अब प्रोग्राम तो बन रहा है कोई रिंग नेक के 1-2 जोड़े लगाने का और कुछ फिंचेस लगाने का प्रोग्राम बन रहा है। तो मेरा प्रोग्राम है कि मैं अब बनवाऊँगा ना, तो मैं पिंजरों की जो होगी ना फ्रंट उसका, वो मैं रखवाऊँगा 3 फुट, ठीक है, और जो मैं उनकी डेप्थ रखवाऊँगा ना, वो मैं रखवाऊँगा 6 फुट,
ठीक है, और हाइट मैं उनकी इन्हीं के बराबर 7 फुट ही रखवाऊँगा। तो मैं समझता हूँ कि ये साइज़ जो है ना बहुत अच्छा है। तो ये केजी, ये भी साइज़ अच्छा है। 6 फुट डेप्थ में ये होता है कि बर्ड ज़रा ना सिक्योर फील करता है अंदर जाके, क्योंकि वाइल्ड में बर्ड्स जो ब्रीड करते हैं ना वो अपना घोंसला जहाँ बनाते हैं वो कहीं छुप के बनाते हैं ऐसी जगह पे कि जहाँ पे उन्हें पता है कोई उसको काब, कोई शिकरा या कोई कौवा या कोई बिल्ली, कोई इंसान उनके बच्चों को ना पकड़ सके, ठीक है, जहाँ वो सिक्योर फील करें। जब वो सिक्योर फील करते हैं तो वो जल्दी ब्रीड कर जाते हैं। तो मैं अब इस वजह से डेप्थ में रखवा रहा हूँ ताकि मेरे बर्ड जो है ना अच्छे ब्रीड करें, जल्दी ब्रीड करें। ये भी ठीक है क्योंकि 4 फुट डेप्थ है, इसमें भी एक दफ़ा एडजस्ट हो जाए फिर तो कोई मसला नहीं है। इसमें यह है कि ज़रा बर्ड अच्छा नज़र आता है, व्यू करना अच्छा होता है। 6 फुट में बर्ड इतना व्यू कर नहीं होगा क्योंकि डेप्थ ज़्यादा है, उसमें ब्रीड अच्छी करेगा। इसमें यह है कि बर्ड अगर जिस तरह मैं वीडियोज़ वगैरह बनाता हूँ तो इसमें ये बेहतर रहता है 4 फुट जो है इसकी डेप्थ, वो वीडियोज़ के लिए अच्छी रहती है क्योंकि बर्ड की वीडियो अच्छी बन जाती है। तो आप देख लें, आप अपनी रिक्वायरमेंट देखें कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, दूसरा आप कितने बर्ड्स रखना चाहते हैं, ठीक है ना, उसके हिसाब से आप केज का साइज़ बनवाएं। अगर आप 3x6 वाला बनवाते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर आप लव बर्ड्स के 10 से 15 जोड़े तो आराम से एक उसमें रख सकते हैं ना, उसमें कोई मसला नहीं है। उसमें काफ़ी बड़ा केज, 3 फुट और 6 फुट डेप्थ और 7 फुट हाइट में कम अज़ कम 15 जोड़े आप आसानी से उसके अंदर लगा सकते हैं लव बर्ड्स के। तो बाकी आप लोहे का बनवा लें बेहतर होता है क्योंकि लोहे में लव बर्ड भी लग जाता है। लव बर्ड लकड़ी में लगाना मुश्किल होता है, या तो अगर आप कीकर का बनवाएं, ठीक है, कीकर की लकड़ी सख्त होती है, वो काटनी मुश्किल होती है, वरना अगर नरम लकड़ी का बनवाएंगे तो ये फौरन काट देंगे उसको, ठीक है, उड़ जाएंगे, काट के उड़ जाते हैं पिंजरे सारे के सारे, लकड़ियाँ उनकी खा जाते हैं, ठीक है ना। तो बेहतर होता है कि आप लोहे का बनवाएँ, तो लोहे का भी इतना कोई फ़र्क नहीं होगा। कीकर का भी, कीकर भी महंगी लकड़ी है, ठीक है, अगर कीकर की लकड़ी का बनवाएंगे वो भी आपको काफ़ी महंगा पड़ जाएगा, ठीक है ना, इसके बराबर ही पड़ जाएगा, लोहे के बराबर ही। तो बेहतर होता है कि लोहे का केज बनवाएं क्योंकि लोहे के केजेज जो होते हैं ना वो लॉन्ग लाइफ चलते हैं, ठीक है, ख़राब नहीं होते। लकड़ी जो होती है वो कुछ देर बाद ख़राब हो जाती है, फिर नया केज आपको बनवाना पड़ेगा। दूसरा, मैंने ये जो केजेस हैं मैंने बनवाए हैं फ्रेम्स में, ठीक है, फ्रंट का फ्रेम अलहदा है, सेंटर का फ्रेम अलहदा है, छत का फ्रेम अलहदा है। ये मैं किसी टाइम खोलना चाहूँ ना मैं इसको खोल के फ्रेम्स को किसी जगह रख सकता हूँ, पता भी नहीं चलेगा कि कभी पिंजरा यहाँ लगा हुआ था कि नहीं लगा था, ठीक है। तो या अगर मैंने सेल करना हो तो मैं ये फ्रेम्स खुलवा के मैं सेल कर सकता हूँ, या ट्रांसपोर्ट के करने हों, किसी दूसरी जगह लगाने हों, ठीक है, किसी दोस्त वगैरह ने कहा यार ये मुझे दे दो, आपने कहा यार मैं नया बनवा लूँगा, तो फिर आप इसको इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। अगर आप फिक्स बनवाओगे, ठीक है, या लकड़ी के बनवाओगे, लकड़ी के इतने बड़े उठाने ले कर जाने बहुत मुश्किल होते हैं, ठीक है ना। तो ये तो आप फ्रेम्स खोल के ज़मीन पर भी लिटा दो कि स्टोर में रख दो, पता भी नहीं यार पिंजरा कहीं पड़ा हुआ, ठीक है ना, उसके बाद जब दिल किया आपने लगा के उसको फिक्स कर लिया। तो ये ज़रा आसानी होती है लोहे के केजेस में। दूसरा, इसमें आप बड़े बर्ड्स भी लगा सकते हो, इसमें आप रा लगा लो, आप इसके अंदर रिंगनेक्स लगा लो, ठीक है, तो उसमें ये भी वो भी लग सकते हैं इसके अंदर। तो ये जो होते हैं ना लोहे के पिंजरे, ये तो लॉन्ग लाइफ होते हैं, दूसरा ये जो होते हैं ना मल्टीपर्पज़ होते हैं, इसमें कोई भी बर्ड लगा लो, बजीज भी लगा लो, ठीक है, तो हर बर्ड इसके अंदर लग सकता है। तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप लोहे का केज बनवाएं, ठीक है, एंगल देख लें कितना आपने साइज़ बनवाना है, उस हिसाब से एंगल ख़रीद लें। एंगल आयरन इस पे लगता है, पौनी का लगता है एंगल, ठीक है, और आधी की इस पे पट्टी लगती है, तो पौनी का एंगल ले लें, आधी की पट्टी ले लें, और साथ जाली इसमें ले लें। जाली मुख्तलिफ साइज़ में आती है, कुछ 4 फुट में भी आती है, कुछ 6 फुट में भी आती है। तो 6 फुट वाली तकरीबन 100 रुपये फुट है, और जो 4 फुट वाली है वो तकरीबन मेरे ख्याल 60-65 रुपये फुट है। तो कुछ जाली ले लें, बाकी इसमें आपकी कुछ लेबर का कॉस्ट आएगी जिससे आपने बनवाना है, वो भी तकरीबन अगर आप इस तरह का एक केज बनवाते हैं ना 3x5 6x7 का,
तो लेबर का तकरीबन ख़र्चा आपको आ जाएगा 2000 रुपये तक, आपको जो बनाने वाला है ना वो 2000 रुपये तक ले लेगा, ठीक है। इसके अलावा ये नीचे मैंने बनी बनवाई हुई है, ठीक है। आप चाहें तो इसको ज़मीन पे भी रख सकते, मैं भी रख सकता था, लेकिन उसमें प्रॉब्लम भी होती है कि जब बारिश होती है ना तो वो पानी सारा जो होता है वो नीचे जो है पिंजरे के लोहे पे, एंगल आयरन पे, जाली पे लगता है, ठीक है। तो उससे जाली वगैरह को जंग लग जाता है, जाली ख़राब हो जाती है। तो मैंने ये नीचे इसके आप देखें कि बन्नी बनाई हुई है, ठीक है। ये तकरीबन 6 इंच ऊंची बन्नी है। तो ये अगर आप ये बनवाते हैं तो आपको मिस्त्री को भी तकरीबन 1000-1200 तो मिस्त्री भी ले लेगा, तो सीमेंट रेत का तो कुछ ख़र्चा है, ठीक है। 200-400-500 रुपये का सीमेंट आ जाएगा इसमें, तो 1200 मिस्त्री ले लेगा, तकरीबन 2000 का आपका ये ख़र्चा, ठीक है। तो उसके साथ एंगल आयरन और ये चीज़ें मिला के आपका तकरीबन अगर आप एक केज बनाते हैं ना तो 7-8000 रुपये का आपका ख़र्चा है, ठीक है। ये छतें मैंने लगाई हुई हैं इसके ऊपर, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ये सीमेंट की छतें होती हैं, ठीक है। ये भी तकरीबन अगर आप 6 फुट डेप्थ वाला बनवाते हैं तो 7 फुट वाली तो आपको लेनी पड़ेगी, 1 फुट आगे आपको रखना पड़ेगा। और इसकी जो विड्थ है वो तकरीबन 3.5 फुट है, ठीक है। तो 3.5 फुट और जो 7 फुट की छत है ना वो तकरीबन आपको मिल जाएगी 1200 रुपये की, 100 ऊपर कर लें नीचे कर लें, ठीक है। तकरीबन 1200 रुपये की आपको वो छत मिल जाएगी। तो ये आपका 7-8000, या अगर आप पेंट पे भी आपका थोड़ा सा ख़र्चा होगा उसमें, या करवा लें या ख़ुद कर सकते हैं, ख़ुद कर लें पेंट, ठीक है। पेंट की डब्बी भी मिलती है छोटी, 140 की डब्बी होती है, 350 का वो क्वार्टर का भी होता है डब्बा, ठीक है। देख लें आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है, वो ले लें साथ कुछ मिट्टी का तेल ले कर, ख़ुद ही कर लें, बेशक ब्रश एक ले लें उससे ख़ुद ही पेंट कर लें। तो ये आपका तकरीबन 1 केज, अगर आप ज़्यादा बनवा लें 2 केजेस बनवाएंगे तो फिर आपकी कॉस्ट थोड़ी सी कम आएगी, क्योंकि उसमें आपको जो है अगर मिस्त्री है वो एक दिहाड़ी तो उसने लेनी लेनी, ठीक है। या आधी दिहाड़ी पे भी मिस्त्री बुलवा सकते हैं, आधी दिहाड़ी पे करवा लें। तो उसमें मिस्त्री की कॉस्ट हो गई, ये एंगल की हो गई, एंगल तकरीबन 80 रुपये किलो है, ठीक है। तो पट्टी भी 80 रुपये किलो है, तो ये तकरीबन 20-22 फुट की लेंथ मिल जाती है एंगल आयरन की। तो आप देख लें, पहले पैमाइशें कर लें कि कितना एंगल इस पर लगना है, ठीक है। और जितना एंगल लगता है पट्टी भी उतनी लगती है, ठीक है। तो बाकी इसमें दरवाज़े वगैरह की पैमाइश कर लें, दरवाज़ों पे कितना एंगल लगना है, बाकी चीज़ों पे। उसके अलावा इसमें आपने जो स्टिक्स वगैरह लगानी है वो आपने कीकर की लगानी है, ठीक है। कीकर में ये होगा कि आप अगर बचीज रखते हैं, बाद में कहते हैं यार अब मैं लावबर लगा लूँ या मैं अब रिंग नेक लगा लूँ, तो आप उसमें वो भी डाल सकते हैं, फिर आपको बार बार स्टिक्स चेंज नहीं करनी पड़ेंगी। तो भाई ये है तकरीबन आपका 1 केज का ख़र्चा, समझ लो 8-10 हज़ार तक का 1 केज का ख़र्चा है, अगर आप इस तरह का बनवाते हैं, ठीक है। इसमें आपके 15 जोड़े लावबर्ड्स के लग जाएंगे। अगर आप स्पॉट वेल्डिंग का केज लेते हो उसमें आपके 6 जोड़े लगेंगे, और वो तकरीबन उसके पे ख़र्चा जो आएगा वो 14,000, और ट्रांसपोर्टेशन का लगा लें 1000 रुपया, 15,000 रुपया तो उस पर भी ख़र्चा है, ठीक है। तो ये कॉलोनी जो है ये इसमें 15 पेयर आपके इजी रह सकते हैं इसमें, ये बेहतर मैं समझता हूँ ऑप्शन है। वो भी रखे जा सकते हैं अगर आपने थोड़ा रखना हो, महंगे बर्ड्स हो, अगर आपने लुटिनो पर्सनाटा लगाना है या आपने अल्बिनो पर्सनाटा लगाना है तो फिर आप स्पॉट वेल्डिंग ले लें। इसमें फिशर जो है लगा हुआ है तो ये बेहतर है, इसमें 10-15 पेयर फिशर के लग जाएँ, लुटिनो के लग जाएँ, ठीक है। तो इसमें बाकी जो है आप देख लें, एक दफ़ा का ही ख़र्चा होता है ये, लॉन्ग लाइफ चलेगा, जब तक लाइफ है तब तक ये चलेगा, ठीक है। इसको 50 साल भी कुछ नहीं होता, लोहे के पिंजरे को 100 साल भी इसको कुछ नहीं होता, तो बहुत पायदार होता है ये, ठीक है। सिर्फ पेंट एक दफ़ा करते रहें इसको, साल में दो साल बाद इसको पेंट कर दें तो फिर ये इसको कुछ नहीं होता, जंग भी नहीं लगता इसको, ठीक है। तो यार ये सारा था, क्योंकि मैंने तो इस पे ख़र्चा सिर्फ ये किया है कि नीचे से ट्रांसपोर्ट किया, ऊपर लगाया, यहाँ से उतार के उधर लगाया। मैंने तो सिर्फ़ एक मैंने वो बीच में पल्ला बनवाया था पार्टीशन का, बस
और या मैंने इनको फ़िट करवाया, तो मेरा तकरीबन इन पे ख़र्चा जो है फ़िट करवाने पे तकरीबन, और एक पल्ला वगैरह बनाया, पेंट वगैरह किया है, और ये सेटिंग वगैरह की है सारी, ठीक है, बनी वगैरह बनी है, तो मेरा ख़र्चा तकरीबन ये सारे सेटअप का 7-8 हज़ार रुपया ख़र्चा आया, ठीक है। तो बाकी आप लोग देख लें आपको कौन सा केज पसंद आता है, कौन सा सूट करता है, स्पॉट वेल्डिंग का लेना है स्पॉट वेल्डिंग का ले लें, दूसरा लेना है ये कॉलोनी बनवानी है तो कॉलोनी बनवा लें, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो केजेस से मुतलिक जो इन्फॉर्मेशन थी लव बर्ड्स के या दूसरे बर्ड्स के, ये किस तरह के बनवाने चाहिए, कितना ख़र्चा आ जाता है, ठीक है, वो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। और इसके साथ आप विज़िट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.lovebirdvalley.com, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना अपने बर्ड्स का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।